अगर आप दिन भर नेट और फोन का उपयोग करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के बाद अब जियो ने भी टैरिफ प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। जियो की नई दरें 6 दिसंबर से प्रभावी होंगी, जो 40% तक महंगी होंगी। वहीं कंपनियां ये दावा भी कर रही हैं कि वे उपभोक्ताओं को 300% से अधिक फायदे भी देगी। वोडाफोन आइडिया ने अब तक का सबसे सस्ता ₹19 वाला प्रीपेड प्लान भी पेश किया है, जिसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल, डाटा और 2 दिन की वैधता मिलेगी। कंपनी ने दावा किया है कि उपभोक्ताओं को प्रीपेड प्लान में हाई स्पीड डेटा और कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए 49 और ₹79 वाले प्लान भी पेश किए हैं। ग्राहकों को ₹48 के पैक में ₹38 का टॉक टाइम, 100 MB डेटा और 28 दिनों की वैधता मिलेगी। दूसरी तरफ ₹79 वाले प्लान में कंपनी उपभोक्ताओं को ₹64 का टॉक टाइम, 200 MB डेटा और 28 दिनों की समय सीमा देगी। वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहकों के लिए ₹149 और ₹249 वाले प्लान लॉन्च किए हैं। ग्राहकों को ₹149 वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB डेटा, 300 SMS और 28 दिनों की वैधता मिलेगी। साथ ही कंपनी के ₹249 वाले प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, 1.5 GB डेटा प्रतिदिन मिलेगा। इसके अलावा 299 और 399 वाले पैक 3 दिसंबर से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। उपभोक्ताओं को ₹299 वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉल, 2 GB डेटा रोजाना, 100 SMS और 28 दिनों की वैधता मिलेगी। दूसरी तरफ यूजर्स को ₹399 वाले पैक में अनलिमिटेड कॉल, 3 GB डेटा और 28 दिनों की समय सीमा दी जाएगी। वोडा आइडिया ने ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए लंबी अवधि वाले प्लान 379, 599 एवं ₹699 वाले प्लान बाजार में उतारे हैं, लेकिन इन्हें 3 दिसंबर से रिचार्ज करवाया जा सकेगा। उपभोक्ताओं को ₹379 वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉल, 6 GB डेटा और 100 SMS की सुविधा मिलेगी। साथ ही कंपनियां अपने यूजर्स को ₹599 के पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग, 1.5 GB डेटा प्रतिदिन देगी। वहीं दूसरी तरफ यूजर्स को ₹699 वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉल, 2 GB डेटा प्रतिदिन एवं 100 SMS मिलेंगे। नेशन वन से रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।